पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 8वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 262 के करीब केंद्र जिले के अंदर बनाए गए हैं, जिसके अंदर 67,000 के करीब विद्यार्थी 8वीं और 10वीं की परीक्षा देंगे, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम CCTV कैमरे परीक्षा केंद्र के अंदर लगाए गए हैं। पुलिस के प्रबंध होंगे। अपाहिज बच्चों के लिए व्हील चेयर का प्रबंध स्कूलों में किया गया है, ताकि किसी विद्यार्थी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और नकल रोकने के लिए विशेष दस्तों द्वारा जांच की जाएगी परीक्षा केंद्रों के अंदर। फुल तैयारी है पेपर आने, पेपर की तैयारी बहुत वधिया चल रही है, कोई तरह की घबराहट नहीं हो रही, इस करके ही पेपर बहुत वधिया तरीके नाल होणगी। ते नकल नूं कोई कोई रोक नहीं मन च? नहीं, पेपर की तैयारी बहुत वधिया चल रही है, नकल की कोई होणी नहीं, सारे सब्जेक्ट हैं। हाँ जी, ठीक है। सेकंड डे ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो सालाना परीक्षा है वो कल से स्टार्ट हो रही है। 8वीं क्लास के 283 बच्चे बैठ रहे हैं यहाँ पर। 12वीं के 2 सेंटर बनते हैं जी हमारे पास हमेशा, एक में 184, एक में 167 स्टूडेंट्स हैं। अपनी तरफ से स्कूल का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सकते थे, दैट वी हैव डन। कैमराज की प्रॉपर CCTV सर्विलेंस के अंडर हैं सारे, और फर्नीचर लगा दिया। डिप्टी कंट्रोलर और सुपरिटेंडेंट स्कूल की बोर्ड की तरफ से आएंगे, बाकी स्टाफ स्कूल ने प्रोवाइड करना। सुरक्षा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में हमने लेटर भेज दिया है कि अपनी तरफ से वो यहाँ पर भी जिसकी कर्मचारी की ड्यूटी लगानी है वो रहेगी यहाँ पर। अभी इस सेंटर के अंदर आएंगे, आने के बाद समझ में आएगा। उनके लिए हमारे पास वैसे व्हील चेयर वगैरह रखवा दिए, अगर होगा कोई तो इस तरीके से हम प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ जी, है हमारे पास जी। कैमरामैन बालसंग गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक, समाना न्यूज़।